वेलकम टू माय चैनल। तो मेरा आज का वीडियो होने वाला है कीवी जैम के ऊपर। वैसे मैंने इससे पहले प्लम जैम भी बनाया है, अगर आपको देखना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। और अभी बात करते हैं कीवी जैम की। तो मैंने 1 किलोग्राम कीवी ले ली है और इनके ऊपर ना हल्के हल्के से बाल लगे होते हैं, तो पहले इन्हें साफ करना है। और इन्हें साफ करने का तरीका बहुत सिंपल है। एक कपड़ा ले लीजिए, कोई भी किचन टॉवल, उस पर इनको इस तरीके से रब करना है, तो सारे बाल ना कपड़े के ऊपर ही झड़ जाएंगे इसके। और आप देखो कितने सारे हल्के हल्के से ब्राउन ब्राउन से रोए दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे कीवी से ही निकले हैं। इनकी कीवी को साफ करते इस कपड़े पर झड़ गए हैं। तो इस तरीके से सारे कीवी साफ कर लेने हैं। और जब कीवी अच्छे से साफ हो जाए तो फिर क्या करना है, नेक्स्ट काम है इन्हें पील करने का, जो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जब कीवी के छिलके निकालते हैं ना तो छिलकों के साथ पल्प भी आ जाता है, छिलकों के साथ ही, तो थोड़ा वक्त लगता है कीवी के छिलके निकालने में। और मैंने सारे छिलके निकाल लिए हैं और इनका वेट भी करना है, वो क्यों वो मैं बाद में बताऊंगी। तो जितने छिलके निकले हैं ना, चलिए उनका वेट करते हैं। तो ये छिलके आप देखिए 183 ग्राम के करीब हैं और 800 ग्राम हमारी रह गई कीवी, छिलके अलग हो गए। तो इनका पल्प बनाना है, तो मैंने इनको चॉप किया है। मिक्सी में भी आप इनका पल्प बना सकते हैं लेकिन मैं चॉप कर रही हूँ। और इस तरीके से बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है मैंने कीवी को। और शुरू होता है कीवी से कीवी जैम बनाने का सफ़र। तो क्या करना है, एक पैन ले लेना है, और मैंने नॉनस्टिक पैन लिया है क्योंकि इसमें ना कोई भी चीज़ जलती नहीं है इतनी आसानी से। तो मैंने इसमें डाल दिया कीवी जो मैंने चॉप करके रखी थी। और अब आप देखो कीवी का कलर कुछ ऐसा है ना, पकने के बाद थोड़ा चेंज हो जाएगा। और अभी से खूब अच्छे से पका लें मीडियम आंच पर, इनके स्लो करने की ज़रूरत नहीं। आप देखो कितना सारा जूस निकल चुका है ना। और अभी चीनी ऐड नहीं करेंगे, जब ये सारा जूस ख़त्म हो जाए ना फिर हम चीनी ऐड करेंगे। तो अब क्या करना है, अब लगाएंगे ढक्कन। और ढक्कन लगाने के बाद इसे हम कम से कम 10 मिनट तक तो धीमी आंच पर पकाएंगे ही, लेकिन गैस छोड़कर या कीवी छोड़कर चले नहीं जाना है, बीच बीच में चेक भी करते रहना है। और अगर आप चाहें तो मिक्सी लीजिए, मिक्सी में कीवी का पल्प बना लीजिए और फिर उसे पका लीजिए। एक ही बात है, मैंने चॉप कर लिया है, अगर इसे मिक्सी में पल्प बना लेंगे तो भी इसी तरीके से बनाएंगे। और जब ढक्कन खोलेंगे तो कीवी सॉफ्ट हो चुकी है ना, तो थोड़ा आलू मैशर से मैश कर लेंगे। अगर इस तरीके से मैश करने के लिए आलू मैशर नहीं है, कुछ भी तरीका नहीं है, तो जो गिलास रहता है ना, गिलास का जो बेस होता है बॉटम, उससे इनको प्रेस कर लीजिए या फिर स्पून ले लीजिए। लेकिन ख्याल रखेंगे स्पून ना जिसका बेस थोड़ा फ्लैट सा हो वो लें, और कीवी को इस तरीके से प्रेस करते हुए चलाते जाएँ। और आप देखो जितना भी जूस था ना कीवी का रस, वो सारा सूख चुका है। मतलब अभी आती है चीनी डालने की बारी। पहले चीनी नहीं डालनी है कीवी जब कच्चा हो, कीवी जब अच्छे से पक जाए ना तब चीनी डालनी है। तो अभी हम इसमें डालेंगे चीनी। और मैंने चीनी कितनी ली है, तो चीनी मैंने ले ली है 400 ग्राम के करीब, करीब नहीं मतलब 400 ग्राम ही ली है। और अब बताती हूँ कि मैंने छिलकों का वेट क्यों किया था, क्योंकि जब मैंने कीवी ली थी ना तो मैंने 1 किलोग्राम कीवी ली थी, फिर जब छिलके निकाले तो 200 ग्राम छिलके निकल चुके थे, और जो एक्चुअल में कीवी बची थी जैम बनाने के लिए वो मेरे पास 800 ग्राम की थी। तो 800 ग्राम कीवी के लिए मैंने 400 ग्राम चीनी डाली है, इसीलिए मैंने छिलके वेट किए थे कि छिलकों का वेट कितना, अगर छिलके कम निकलते तो फिर चीनी का रेशो मैं थोड़ा ज़्यादा रख लेती। अभी मैंने 800 ग्राम कीवी के लिए 400 ग्राम चीनी इसमें डाली है। और चीनी डालने के बाद इसको एकदम मिक्स कर लीजिए हाई फ्लेम पे, कोई खतरा नहीं है जलने का क्योंकि चीनी मेल्ट होगी ना। जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए उसके बाद इसे पकाना है कम से कम आधा घंटा, आधा घंटा पकाना पड़ेगा धीमी आंच पर, ताकि वो जैम में कन्वर्ट हो जाए हमारा ये पूरा मिक्सचर। और एक बात कहनी है कि जब चीनी डालते हैं ना हम कीवी में, जब ये पकना शुरू होती है तो इसकी छींटे काफ़ी ऊँचे ऊँचे उठते हैं, तो फिर डलने का खतरा रहता भी है, इसलिए थोड़ा बड़ा सा बर्तन लें ताकि उसमें आप अच्छे से जैम को पका सकें। और अब धीमी आंच पर पकाइए। और अगर आपको अच्छे से आइडिया नहीं लग रहा कि कितनी देर तक पकाना है, जैम का टेक्सचर क्या हो, तो ज़रा सा ले लीजिए हाथों में, उंगलियों में, कहते हैं ना कि चाशनी एक तार बननी चाहिए, तो इस तरीके का हल्का सा एक तार दिख रहा है ना, और बार बार भी एक तार नहीं बनाना वरना उंगलियां चिपक जाती है और जल भी जाती है ऐसे एक तार चेक करते वक्त। तो ये देखिए एक तार बन भी रहा है और जो जैम है ना उसका टेक्सचर भी इस तरीके का हो चुका है। बहुत ज़्यादा नहीं इसे पकाना है वरना ये ठंडा होने के बाद भी और गाढ़ा हो जाता है। तो बस जैम तैयार है, गैस ऑफ कर दीजिए, ठंडा होने दीजिए।
तो देखिए ठंडा हो चुका है, अब जार में डाल दीजिए। जार को ना एकदम अच्छे साफ पानी से धोकर, गर्म पानी से धोकर रख लीजिए। फिर उसमें आप जैम डाल दीजिए और किसी भी परांठे के साथ, मतलब जो अजवाइन वाला पराठा होता है ना, सादा प्लेन, या फिर ब्रेड के साथ बहुत अच्छा लगता है कीवी जैम खाने में। और यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू।